आम नागरिक को सजग और सतर्क रहने का पाठ पढ़ाने वाले पुलिस डिपार्टमेंट की लापरवाही इस कदर है कि सूचना बोर्ड भी नियमित रूप से अपडेट नहीं किए जाते हैं। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण पंचकुला सेक्टर 2 पुलिस पोस्ट पर देखने को मिल सकता है, जहां सूचना बोर्ड पर आज भी उस चौकी इंचार्ज ASI गुरमेज सिंह का नाम अंकित है जो भ्रष्टाचार के मामले में फरार चल रहा है। लोन कराने और विदेश भेजने का झांसा देकर 45 लाख रुपए ठगने के साथ शिकायतकर्ता को गिरफ्तारी का भय दिखाकर उससे वसूली करने के आरोप में पुलिस ने तत्कालीन सेक्टर 2 चौकी इंचार्ज गुरमेज सिंह समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, लेकिन गुरमेज सिंह गिरफ्तारी के बाद पुलिस कर्मियों को चकमा देकर फरार हो गया। गुरमेज सिंह के बाद इस समय पंचकुला सेक्टर 2 चौकी इंचार्ज सुनीता सिंह चौकन है, लेकिन चौकी के बाहर अधिकारियों के नाम का जो बोर्ड लगा है उसे अपडेट नहीं किया गया है। उस पर अभी भी सुनीता सिंह चौकन की बजाय गुरमेज सिंह का नाम अंकित है। यही नहीं, पंचकुला सेक्टर 2 पुलिस पोस्ट सेक्टर 5 थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जहां के SHO इस समय सुखबीर सिंह हैं, जबकि पुलिस पोस्ट के बोर्ड पर अभी भी पूर्व के SHO बलवंत सिंह का नाम अंकित है। बोर्ड पर पंचकुला के तत्कालीन DCP मोहित हांडा का नाम अंकित है, जिनका स्थानांतरण इस समय यमुनानगर हो चुका है। यह लापरवाही किसी एक चौकी और थाने की नहीं है, बल्कि हरियाणा के अधिकतर थानों और पुलिस पोस्टों पर बदलने वाले अधिकारियों का नाम समय से अपडेट नहीं किया जाता है। हरियाणा पुलिस की जो वेबसाइट है उस पर भी अधिकारियों के नाम समय से अपडेट नहीं किए जाते हैं। अक्सर देखने को मिलता है कि लंबे समय पूर्व स्थानांतरित हो चुके अथवा प्रमोशन प्राप्त कर चुके अधिकारियों का नाम वेबसाइट पर भी यथावत रहता है। उसको लेकर आम नागरिक परेशान कर रहे हैं कि जब पुलिस डिपार्टमेंट विभागीय सूचना को ही अपडेट नहीं कर पा रहा है तो लोगों की पीड़ा से संबंधित फाइलों को कैसे अपडेट किया जाता होगा। पंचकुला सेक्टर 2 पुलिस पोस्ट का बोर्ड अपडेट ना होने के संबंध में जब DCP सुरेंद्र पाल से बात की गई तो उन्होंने कहा कि व्यस्तता के कारण बोर्ड अपडेट नहीं किया जा सका होगा, शीघ्र ही इसे अपडेट कर दिया जाएगा। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें राष्ट्रीय खबर TV और बेल आइकन दबाना ना भूलें।